जो चाबी आपको मिलती है वो हमारी जो होंडा एक्टिवा आती है, जो हमारी पेट्रोल एक्टिवा आती है, लेकिन यहाँ पर आप देखो स्टोरेज स्पेस में आपका चार्जर है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है भावना चौधरी और होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक के साथ होंडा ने लॉन्च किया है ये Q-C1 इलेक्ट्रिक स्कूटर। होंडा एक्टिवा की जो रेंज है वो 102 किलोमीटर के आसपास है। तो इसके कुछ मेजर एस्पेक्ट्स आपको बताती हूँ। इसकी रेंज आपको मिलेगी 80 किलोमीटर, वहीं इसकी जो टॉप स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर की है, और अगर इसका 0 to 40 देखेंगे तो उसे करने में लगता है 9.4 सेकेंड का टाइम। 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर्स में लॉन्च किया गया है। जैसे होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक आपको 5 कलर्स में मिलती है, ये भी आपको 5 कलर्स में मिलता है। हालांकि जो कलर्स हैं वो थोड़े से यहाँ पर डिफरेंशिएट हो सकते हैं। बाकी फ्रंट डिजाइन अगर आप देखेंगे तो काफी स्लीक और सिंपल फ्रंट डिजाइन है। एलईडी हेडलाइट सेटअप आपको ऑफर किया गया है। हालांकि इलेक्ट्रिक एक्टिवा में यहाँ पर आपको स्माइली डीआरएल्स मिलते हैं जो कि इसमें मिसिंग है, क्योंकि ये आपका थोड़ा उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन लोगों को एक बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर देखना है। ऑफ कोर्स होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक की जो प्राइस रेंज है वो काफी ज्यादा जाएगी, बट इसकी प्राइस रेंज काफी कम रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉस्ट कटिंग भी दिखाई देगी, यहाँ पर आपको रेंज भी कम दिखाई देगी, और साथ ही साथ स्पीड भी यहाँ पर आपको कम दिखाई देगी इंक्लूडिंग विद द फीचर्स। व्हील्स की बात करेंगे, 90x90 सेक्शन के साथ 12 इंच का यहाँ पर आपको अलॉय व्हील मिलता है। साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो साइड प्रोफाइल में काफी एजी लाइंस आपको दिखाई देंगी स्कूटर पे, जो कि इसके फ्रंट फिनिश को काफी अच्छा बनाते हैं। ऑफ कोर्स जैसे आपने इलेक्ट्रिक एक्टिवा में देखे थे फ्लश क्लियर स्टेप, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल पिलियन स्टेप मिलते हैं। और जो सीट आप ये देख रहे हैं सिंगल पीस सीट ही है, लेकिन इसमें जो स्कूटर का कलर है ब्लू, उसके साथ जो स्टिचिंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको ब्लू कलर का शेड भी दिखाई देगा। अब एक बार इसका बूट स्पेस ओपन कर लेते हैं, तो बूट स्पेस ओपन करने के लिए इसका इग्निशन ऑफ होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका इग्निशन ऑफ नहीं होगा तब तक आपका बूट स्पेस ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ इतना बूट स्पेस आपको इसमें ऑफर किया गया है। बूट स्पेस की लीटर्स में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो बूट स्पेस मिलता है वो 26 लीटर का मिलता है, और यहाँ पर इसमें आपको जो बैटरी मिलती है वो फिक्स बैटरी मिलती है। अब एक्टिवा इलेक्ट्रिक में जो बैटरी थी वो यहाँ पर प्लेस की गई है, उसमें 1.5 किलोवाट की दो बैटरी आपको मिल जाती है, तो वहां पर आपको समझौता करना पड़ता है उसके स्टोरेज स्पेस के साथ। लेकिन यहाँ पर आप देखो स्टोरेज स्पेस में आपका चार्जर है, इसके साथ जो चार्जर आता है वो एक बार दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके का चार्जर आएगा आपका Q-C1 के साथ, और यानी चार्जर के साथ आपका जो हेलमेट है वो स्टोरेज में बड़े आराम से फिक्स हो जाएगा। सिंगल पीस सीट है और सीट की जो हाइट है और लेंथ है वो काफी ज्यादा बेसिक है, आप दो लोग इसमें बड़े आराम से बैठ सकते हैं। बाकी मैं एक बार बैठ के आपको दिखा देती हूँ। वैसे ये स्कूटर जो है स्टैंड पे है, तो यहाँ पे सीट हाइट चेक करने का कोई मतलब भी नहीं है, तो सीट हाइट इसमें आपको काफी अच्छी खासी मिल जाती है। स्टैंड से भी हटा नहीं सकते हैं बिकॉज यहाँ पर ये अनवील हुए हैं, लॉन्च नहीं हुए हैं, प्राइस अभी रिवील इन स्कूटर्स का नहीं हुआ है। रियर साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो ग्रैब रेल दी गई है वो भी काफी अच्छी खासी क्वालिटी की है। होंडा जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है क्वालिटी के साथ और सर्विस के साथ। बाकी रियर में आपको जो टेल लाइट सेटअप मिलता है, अगेन दिस इज एलईडी, 10 इंडिकेटर इज हेयर, और यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसमें आपको काफी लाइन्स, काफी कटिंग लाइन्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। यू कैन सी हेयर, ये जो पार्ट है थोड़ा थोड़ा बाहर की साइड है, इसकी वजह से इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा एनहांस हो रहा है। और रियर में आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर किया गया है। रियर व्हील की बात करेंगे तो रियर व्हील का जो साइज है वो 90x100 है, और ये 10 इंच का आपको मिल जाता है। ब्रेकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्रंट में आपको मिलता है 130mm का ड्रम ब्रेक और रियर में आपको मिलता है 110mm का ड्रम ब्रेक। फ्लोरबोर्ड का जो स्पेस है उसमें आप अपना एक लैपटॉप बैग आराम से कैरी कर सकते हैं, वो भी छोटे वाला, बड़ा बैग इसमें नहीं आएगा। बाकी बात करते हैं थोड़े से फीचर्स की। इसमें जो चाबी आपको मिलती है वो हमारी जो होंडा एक्टिवा आती है, जो हमारी पेट्रोल एक्टिवा आती है, उसकी तरह इसमें चाबी मिल जाती है। और इस चाबी को एक बार इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डिस्प्ले मिलता है। एलसीडी डिस्प्ले है जिसमें आपकी बेसिक से इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, स्पीड चेक कर सकते हैं, बैटरी चेक कर सकते हैं, ट्रिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं, ईको और स्टैंडर्ड। स्पोर्ट्स का ऑप्शन आपके प्रोसेस में नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स का ऑप्शन जो आपको मिलता है वो एक्टिवा इलेक्ट्रिक में मिलता है। बाकी यहाँ पर जो स्विच गियर है वो भी आपको बिल्कुल पेट्रोल एक्टिवा की तरह मिलते हैं, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर और सिंगल पीस हॉर्न। अगर आपको स्कूटर परचेज करना है तो इसकी बुकिंग स्टार्ट हो रही है जनवरी 2025 से, वहीं इसकी जो डिलीवरी है वो फरवरी 2025 से स्टार्ट होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि होंडा का जो एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में स्टार्टिंग में फेज वन में अवेलेबल होगा, लेकिन जो Q-C1 इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो पैन इंडिया सेल के लिए अवेलेबल होगा फ्रॉम द January 1, 2025। और ये होंडा के जो हमारे बेसिक शोरूम है उनके बजाय होंडा के न्यू कॉन्सेप्ट शोरूम के जरिए सेल किए जाएंगे। यहाँ पर आपके पास स्पेस मिल जाता है, USB पोर्ट भी है आपके पास, आप मोबाइल चार्ज पे लगा के यहाँ रख सकते हैं, और यहाँ पर नॉर्मल हुक भी आपको दिया गया है। तो दिस इज ऑल न्यू होंडा Q-C1। ये स्कूटर अनवील हुआ है 1 जनवरी 2025 से, इसकी बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है, और कंपनी इसकी और होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक की बैटरी पर ऑफर कर रही है। 3 सर्विस फ्री है 1 साल तक के लिए। प्राइस के लिए हमें इंतजार करना होगा जनवरी तक। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको ये स्कूटर।